तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर गाड़ी वाले की कौन नए फ्रेश वीडियो में। आपके सामने खड़ी है मारुति सुजुकी जिम्मी, और जिम्मी का ये अल्फा डुअल टोन वाला वेरिएंट है। इसमें आपको ब्लैक कलर की रूफ मिल जाती है। तो बात करते हैं पहले इससे, इसके इंजन से। तो इसके जो अंदर पावर आपको मिल जाती है वो 103 bhp की पावर मिल जाती है। टॉर्क जो मिलता है वो 134 nm का जो है वो आपको टॉर्क मिल जाता है, यानी कि 135 nm का टॉर्क आपको मिल जाता है। फोर सिलेंडर वाली ये गाड़ी रहने वाली है, और आगे से कुछ इस तरीके का लुक आपको मिल जाता है। तो बात करते हैं पहले फ्रंट की। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे आपको DRL की प्लेसमेंट मिल जाती है। साइड में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे आपको हैलोजन बेस आपको फॉग लैंप रहेंगे, और ये है आपकी रेडिएटर ग्रिल। ग्रिल की बात करेंगे तो क्रोम की ट्रीटमेंट के साथ में आपको ग्रिल मिल जाती है। इसमें आपको इस तरीके से जीप की थोड़ा सा देने की कोशिश की गई है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है। बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। तो इसकी डायमेंशंस जो हैं वो आपकी लेंथ जो है वो 39585 की आपको लेंथ मिल जाती है। विड्थ मिल जाती है 1645 mm की, और हाइट मिलती है इसकी 1720 mm की। व्हील बेस इसका मिलता है 2590 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है 210 mm की। साइड क्लाइडिंग की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी क्लाइडिंग देखने को आपको मिल जाती है एंड तक। डोर हैंडल जो हैं वो बॉडी कलर रहने वाले हैं। लुक का सेंसर आपको बटन मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको मिरर्स मिलते हैं। बात करते हैं एलॉय की। तो यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश में जो है एलॉय आपको मिल जाते हैं। टायर सेक्शन की बात करेंगे तो 195/80R15 यानी 15 इंच के जो हैं एलॉय वो आपको मिल जाते हैं। 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस तो मिली जाती है। रूफ आपको ब्लैक कलर की मिलती है। और बात करते हैं रियर की। तो रियर में जाएंगे तो यहाँ पे जिम्मी की जो है वो बैजिंग मिल जाएगी। रियर टेल लाइट की बात करेंगे वो पूरी जो है वो आपको बल्ब्स में रहेगी। टॉप एंड मॉडल के अंदर भी आपको बल्ब्स में मिलती है। फोर पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, जो कि बड़े स्मार्टली तरीके से ऐड किए गए हैं। और यहाँ पे स्पेयर टायर जो है वो भी आपको मिल जाता है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है इस जगह पे। यहाँ पे वॉशर आपको मिल जाएगा। ऊपर आपको एक एंटीना देखने को मिल जाता है। अब चलेंगे गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और दिखाते हैं आपको इंटीरियर में और क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं पहले इंटीरियर की। तो यहाँ पे देखो सुरक्षा सेंसर बटन आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाता है, और डोर हैंडल के बगल में आपको मिल जाता है। डोर हैंडल कुछ आपको ऑल्टो वाली फीलिंग आपको देंगे। और जैसे हम बात करेंगे डोर की, तो यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। स्पीकर आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे हैंडल्स देखने को मिलेंगे साइड में। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं, पर आपको कोई बोतल रखने की जगह नहीं मिलती है। अब बात करते हैं साइड की। तो जैसे आप अपने साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन देखने को यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और अपनी लाइट को अगर आपको साफ करना है तो वो उसके लिए वॉशर आपको यहाँ मिल जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, दिखाते हैं अंदर से कि आपको और क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो आ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर, और गाड़ी का इंटीरियर का पहले इसको हम चालू करते हैं और दिखाते हैं कि कैसा क्या आपको मिलता है एनिमेशन। तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन देखो मिल जाएगा, जो कि 12 इंच का है या 10 इंच का है, जो भी है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल गियर लीवर तो आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको 4x2 या 4x4 करने के लीवर आपको यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। हिल होल असिस्ट का आपको बटन यहाँ देखो मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल बटन आपको यहाँ मिल जाता है, और विंडोज के बटन आपको यहाँ दोनों साइड में देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर और को ड्राइवर के बटन आपको दोनों साइड मिल जाएंगे। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ दिया गया है। USB का स्लॉट आपको दिया गया है, और यहाँ पे अपना कोई भी कॉइन वगैरह रख सकते हैं। बड़ी छोटी सी स्पेस आपको मिल जाती है। की जो है वो आपको इस तरीके मिल जाती है ब्लैक कलर की, लॉक अनलॉक के बटन के साथ में। तो चाबी भी आप अपनी रख सकते हैं, बड़े आराम से रख जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स है, थोड़ा बहुत सामान आपका आ जाएगा। और यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, जो कि पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ग्रिप के साथ आपको मिल जाता है। और SRS की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है। एक साइड रहेगा आपका RPM का, एक साइड रहेगा आपका स्पीडोमीटर। सेंटर में जो स्क्रीन है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी कि क्या ही आपकी एवरेज निकल रही है गाड़ी की, कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी है, सब कुछ आपका स्क्रीन में सेंटर में आपको दिख जाएगा। एक साइड में आपका वाइपर्स के कंट्रोल रहते हैं, एक साइड में आपके लाइट्स के कंट्रोल रहते हैं। सेंटर में बात करेंगे स्टीयरिंग के कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के कंट्रोल बटन जो है वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल बटन आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं ऊपर की। तो यहाँ पे जो IRVM है वो मैनुअल डे नाइट के साथ में आपको मिलता है। ऊपर आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। वॉइस कमांड के स्पीकर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और सनवाइजर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर देखने को यहाँ देखने को मिल जाता है, और ड्राइवर साइड भी आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल तो ये बात हो चुकी है फ्रंट की। तो फ्रंट में आपको सब कुछ यही देखने को मिलता है। बात करेंगे हैंड ब्रेक की, तो हैंड ब्रेक क्रोम नॉब के साथ में आपको आती है। रियर पैसेंजर की विंडो अप डाउन करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं। चाइल्ड लॉक के बटन भी आपको
इस जगह पे देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के रेयर में, दिखाते हैं आपको रेयर कंफर्ट कैसा क्या आपको मिल जाता है। जो फ्रंट ड्राइवर की पोजीशन की सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको मिल जाती है, और जो फ्रंट का हुड है यानी बोनेट है वो पूरा का पूरा जो दिखाई देता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा गाड़ी चलाने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो गाड़ी की पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आप चलते हैं गाड़ी के रेयर में, दिखाते हैं आपको रेयर में कम्फर्ट किस लेवल का आपको मिलता है। तो आ चुके हम गाड़ी के रेयर में, और रेयर में क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे, डोर पे हैंडल मिल जाएगा, विंडो अप डाउन करने के लिए बटन मिल जाता है, स्पीकर आपको यहाँ मिल जाएगा। अब चलेंगे गाड़ी के रेयर पैसेंजर सीट पे, तो स्पेस की बात कर लेंगे तो स्पेस जो है वो इतना कुछ आपको मिल जाता है। तो नी रूम जो है वो अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, जबकि जो सीट है जो बिल्कुल पीछे कर रखी है मैंने, जो एंड तक की सीट होती है मतलब बिल्कुल पीछे करने के बाद भी इतना कुछ स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। 5'10" मेरी हाइट है तब भी इतना हेडरूम मेरे को मिल जाता है, तो इनफ है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी, अच्छा खासा हेडरूम जो है वो मिल जाता है। रियर लाइट आपको मिल जाती है, और अंडर थाई सपोर्ट जो है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है। सेंटर बम्प जो है वो ज़्यादा आपको मिलता है, मतलब कहने का है 3% जो है वो तीन जन जो है वो दिक्कत में आ जाएंगे थोड़े से, बाकी दो जन आराम से कम्फर्टेबल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 50-50 स्प्लिट सीट्स जो है वो दो आपको मिल जाती हैं, अगर आपको बूट इंक्रीज करना है तो वो अपनी दोनों सीटें गिरा के अपना बूट भी इंक्रीज कर सकते हैं, और दोनों पैसेंजरों के लिए सीट बेल्ट भी ऑफर की गई है। हेडरेस्ट आपको रियर सीट्स पे भी मिल जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस में, लिखा है और दिखाते हैं आपको कितना क्या बूट स्पेस देखो मिल जाता है। तो गाड़ी का बूट ओपन करते हैं और दिखाते हैं, यहाँ पे आपको प्लेन मिलता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं जिससे आपको बूट ओपन करने में आसानी रहेगी। और बात करेंगे इधर, तो यहाँ पे आपको एक बूट लैंप भी दिया गया है जिससे आप अपना आराम से बूट में जो लाइट है वो देख सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, कैंपिंग वगैरह में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप कैंपिंग वगैरह के शौकीन हैं। और बात करेंगे यहाँ पे आपको टूट किट देखने को मिल जाती है, 211 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है, कोई पार्सल ट्रे आपको नहीं दी गई है। तो ओवरऑल यही था गाड़ी का प्रॉपर वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जैसे कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।